दिल्ली में लगा है वर्ल्ड बुक फेयर 2024 और हम आ पहुंचे हैं यहाँ देखने के लिए। लेकिन यहाँ के जब देखते हैं तो बाहर अलग ही मेला चल रहा है। बाहर जितनी किताबें हैं ऐसा लगता है कि अंदर से ज़्यादा किताबें ये बाहर रख के बैठे हैं। कुछ अलग ही माहौल है यहाँ का। तो एक बार नज़र डालते हैं बाहर और उसके बाद हम चलते हैं अंदर। और यहाँ जाने के पहले हमको मिला है मुफ्त का माल। हम करते हैं अब एंट्री इस मुफ्त के माल को पकड़ के और हम चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शटल की लाइन है बहुत लंबी। और गाना गाते रहिए, यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल, क्योंकि हॉल है बहुत दूर और हमें है चलते जाना। आगे बढ़ के देखा तो बुक्स खरीदने के लिए जो आग लगी है उसको बुझाने का इंतजाम है और हम उसको देखते हुए आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और ये आ चुके हैं हॉल नंबर 1 में। ढेरों सारी किताबें हैं यहाँ पे, ढेरों सारे स्टॉल्स हैं। हम सबसे पहले चलते हैं डायमंड कॉमिक्स के स्टॉल पे, जहाँ ढेर सारी डायमंड कॉमिक्स, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी सब यहाँ पे रखे हैं। यहाँ से निकल के आए हम बाहर एक बुक शॉप पे, तो यहाँ हमको छुपा मिला नागराज और ढेर सारी किताबों के नीचे सुपर कमांडो ध्रुव भी। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतने सारे रेयर आइटम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको विनाइल्स मिलने हैं, विनाइल रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, कॉमिक्स मिल रही हैं, हैरी पॉटर की बुक्स हैं और इंद्रजाल है, डीसी है, मार्वल है, सारी चीज़ें शॉप पे आपको मिल जाएंगी जितने भी रेयर आइटम्स हैं। तो इन रेयर आइटम्स से पीछा छुड़ा के हम बढ़े आगे और हमने देखा पूरे हॉल को तसल्ली से। यहाँ हमें मिली राज कॉमिक्स, जो राज कॉमिक्स पर मनोज गुप्ता का स्टॉल्स था। एक नज़र डाली, यहाँ पे कलेक्टर एडिशंस रखे थे, पेपर बैग्स रखे थे। राम जी भी हमको यहाँ पे दिखाई दिए, जो इन्होंने अभी निकाला है नया एडिशन। और उसके अलावा स्टॉल्स पे किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें। और इन किताबों के बीच हमें देखने को मिलता है भाई भाई का प्यार। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के स्टॉल पे हमें देखने मिलती है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की कॉमिक्स। और आगे बढ़े हमें दिखी शक्ति कॉमिक्स, फैंटम, मैंड्रेक और फ्लैश गॉर्डन। यहाँ पे पूरा कलेक्शन शक्ति कॉमिक्स का। लेकिन हम पक चुके थे ढेरों सारी किताबें देख के, तो हम आ गए खुली हवा में सांस लेने और खान पान करने के लिए। यहाँ से आगे बढ़ के देखा तो ये बड़े बड़े हॉल सब में भरी है किताबें, यकीन नहीं होता। हमने सोचा चलो थोड़ा सा नाच गाने का मजा लिया जाए और म्यूजिक मस्ती के शो में हम आ पहुँचे। यहाँ पे जनता ही जनता है और चल रही है लाइव परफॉर्मेंस। रही खबर आप भी इसको डालिए। तो इस शो पे हमने नज़र डाली और उसके बाद हमने डिसाइड किया अब हम चलेंगे अपने घर। हमने सोचा एक बार और शटल हमको मिल जाए, लेकिन शटल पे थी लंबी लाइन। तो हमने सोचा बेस्ट तरीका है पकड़ो 11 नंबर की शटल और चलो अपने घर। तो हम यहाँ पे उल्टे पैर लौट चले, ढेर सारी किताबों को देख के, ढेर सारी किताबों का मज़ा लेके। मिलेंगे अगली बार बहुत जल्द ऐसे ही वीडियो में।